अगर आप अपने शत्रु और बुरी शक्तियों से परेशान हो चुके हैं तो आप भी इस नींबू का ये जो टोटका है, नींबू की माला का ये जो टोटका है, तो इसको चढ़ाते ही शत्रु की बुरी शक्ति और शत्रु का अंत होगा। तो क्या है ये संपूर्ण टोटका, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको एक शक्तिशाली चमत्कारी टोटका बताने जा रहा हूं, नींबू की माला का। नींबू की माला का जो ऐसा टोटका है, अगर आपके घर परिवार में कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरी आत्मा है, कोई बुरी बाधा है, कोई हाय बद्दुआ आपके घर परिवार में लगी हुई है किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी कारोबार के ऊपर, तो उसका भी निवारण होगा, अंत होगा हर बुरी शक्ति का। क्योंकि ये जो नींबू की माला है, जिन शक्तियों को आपने अर्पण करनी है, बहुत बड़ी शक्तियां हैं और वह शक्तियां आपकी रक्षा करेंगी और हर नेगेटिविटी, हर बुरी शक्ति का अंत कर देंगी तुरंत ही, जब आपने ये जो नींबू की माला है, जब आपने इनको अर्पण कर दी। और अगर आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, अगर आपके ऊपर वह बुरी शक्तियां लगा रहा है, तंत्रिक विद्या का प्रयोग कर रहा है, आपका जो शत्रु है बलशाली है और आपको वह बिना वजह से परेशान कर रहा है, तब भी आप ये जो नींबू की माला है, इसके टोटके की विधि को अपनाएं, तो शत्रु की हर बुरी शक्ति का भी अंत होगा इसको चढ़ाते ही। और किस दिन चढ़ानी है, कैसे चढ़ानी है, तो इसकी संपूर्ण विधि की जानकारी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए आपने 11 साबुत नींबू लेने हैं, 11 साबुत नींबू, बिल्कुल साफ नींबू होने चाहिए, उनके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए। और ये जो 11 नींबू हैं, इनको किसी ब्लैक काले धागे में सुई की मदद से आपने एक माला आपने तैयार कर लेनी है, 11 नींबू की माला। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है या फिर आप अपने दुश्मन, अपने शत्रु से परेशान हैं, तब आपने या तो शनिवार वाले दिन आप इन नींबू के ऊपर एक एक काजल का टीका किसी भी उंगली के द्वारा एक एक सिंदूर का टीका लगा लें। और उसके बाद यह जो माला है, शनिवार वाले दिन जब सूर्य अस्त होने वाला हो, इस माला को पूरे घर में घुमा दें, जितने घर में व्यक्ति हैं उनके माथे को लगा दें। उसके बाद इस माला को आद शक्ति माता काली के मंदिर में लेकर जाएं, माता रानी के गले में इस माला को जब आप पहना देंगे, तो जैसे मुंडन माला माता रानी ने अपने गले में धारण की हुई है, वैसा ही ये टोटका है। तो आपके शत्रुओं और जो भी आपके ऊपर बुरी शक्तियां हैं, उनका तुरंत अंत कर देगी आदि शक्ति माता काली। और शनिवार वाले दिन ही माता मसानी मेलडी के मंदिर में भी इस माला को आप इसी विधि के अनुसार आप अर्पण कर सकते हैं। वह भी शत्रु विनाशक माता है, आपके सभी शत्रुओं का संहार करेगी और आपकी माता रानी रक्षा करेगी। और अगर यही माला आपने बाबा काल भैरवनाथ जी को अर्पण करनी है, तब आपने जो दिन लेना है रविवार का, रविवार वाले दिन रात्रि के समय इसी विधि के अनुसार इस माला को आप बाबा काल भैरवनाथ जी को अर्पण कर दें, तो हर बुरी शक्ति का अंत होगा आपके घर से। और जो भी आपके शत्रु आपको बिना वजह से परेशान कर रहे हैं, तो इन शक्तियों की जो गुप्त शक्तियां हैं, जो भी माता रानी की जोगने हैं, जो भी बाबा
काल भैरवनाथ जी के बावन भैरव वीर हैं, जो भी माता मसानी में एलडी की सेना है तो आपकी वह रक्षा करेगी, आपके शत्रुओं का संहार करेगी, हर बुरी शक्ति का अंत करेगी। तो एक नींबू की ही माला है, किसी मंत्र का जाप नहीं करना, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना, केवल आपने ये माला ही चढ़ानी है। और ये जो माला है कोई भी पुरुष चढ़ा सकता है, कोई भी स्त्री चढ़ा सकती है, तो आपकी रक्षा करेगी यह जो नींबू की माला है। तो इस नींबू की माला के टोटके को आप अपना कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में ये जो नींबू की माला है आपको जो है रिजल्ट देगी। तो जहता शत्रु विनाशक और बुरी शक्ति का अंत करने वाला टोटका। और इसके अलावा अगर घर बैठे कोई सलूशन आप मेरे द्वारा चाहते हैं तो उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। जन्म पत्रिका की जानकारी, ग्रहों की जानकारी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या वैसे भी मेरे से कोई आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वशीकरण की किटों की प्राप्ति आप मेरे द्वारा कर सकते हैं घर बैठे, और घर का कीलन करवा सकते हैं ताकि आपके घर में कोई बुरी शक्ति आए ही ना। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर करें, साधन और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।